रुक कर लेते हैं इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से। हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है आज, तो दो दिवसीय कार्य समिति ये बीजेपी की हो रही है। सीएम योगी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में यूपी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। यूपी इसमें यूपी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पर यहाँ पर चर्चा होगी। हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है, काफ़ी अहम कह सकते हैं ये बैठक। सीएम योगी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में यूपी को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में पीएम की रैली होनी है आज। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 33,000 बूथ संयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में चल रही है, दूसरा दिन है। सीएम योगी शामिल हुए हैं। बैठक में यूपी को लेकर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा होगी। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली होनी है आज। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो रैली में भी शामिल होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हो सकती है। 33,000 बूथ संयोजकों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है और कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी यहां पर यूपी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर सीएम योगी चर्चा कर सकते हैं और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय कार्य समिति का दूसरा दिन है, दो दिवसीय कार्यशाला लगा हुआ था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहाँ पर जो आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव है उसको लेकर चर्चा किया जाएगा। अगर यूपी की बात करें तो यूपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद अब उत्तर प्रदेश में अगला जो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर मंजूरी मिल जाएगी और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रदेश अध्यक्ष देगी, तो इसको लेकर चर्चा किया जाएगा। साथ ही आर्थिक राजनीतिक जो प्रस्ताव उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही मिशन 2024 में संगठन को सरकार को किस तरीके से काम करना है उसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अब सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी उस रणनीति को लेकर चर्चा किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी जो राज्यों में सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री खुद मौजूद है और वहाँ पर चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो वहां पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर गए थे और वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया था। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और जहाँ पर बड़ी संख्या में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता है, बूथ के जो कार्यकर्ता वो सभी मौजूद रहेंगे और चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या दिशा निर्देश होगा उसको लेकर जो है पूरी तरीके से चर्चा किया जाएगा। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। सीएम योगी इस बैठक में शामिल हुए हैं। यूपी को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो है यूपी में हम देख रहे हैं लगातार हालांकि विकास कार्य हो रहे हैं, आगे किस प्रकार की योजनाएं यूपी के विकास को लेकर जिस प्रकार से अभी हम देखें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे वहाँ पर रोजगार मिल सके, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अगर यूपी के विकास की बात करें और क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो यूपी के विकास के लिए चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो ये राष्ट्रीय कार्य समिति है ये पार्टी की अपनी बैठक होती है, इस बैठक में चुनाव को लेकर पार्टी के कामकाज को लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो होती हैं। ऐसे में अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, 80 सांसद यहाँ से चुनकर जाते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत का एक लक्ष्य रखा है और ये कहा है कि इस बार 75+ की ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से जीत कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो विकास के काम को और गति देना होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में काम करना होगा ताकि यहाँ से जनता ज्यादा से ज्यादा सांसदों को जिताकर भेजे। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा किया जाएगा और एक रणनीति के तहत जो चर्चा होगी
किस तरीके से कामकाज करना है, और सबसे ज्यादा अहम चर्चा इस बात का होगी कि सरकार जो कामकाज करती है वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उन कामकाजों का किस तरीके से प्रचार प्रसार करना, जनता तक उसको किस तरीके से पहुंचाना है, इसको लेकर जरूर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही जो पार्टी के जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव है उसको लेकर चर्चा किया जाएगा। कुल मिला जुला कर हम बात करें तो मिशन 2024 को लेकर आज की जो कार्यशाला है, कार्यशाला में इसी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल अश्विनी, जिस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास को लेकर भी बात होगी, तमाम मुद्दों को, यूपी के मुद्दों को लेकर भी बात कर सकते हैं सीएम। इसके अलावा क्या ये भी माना जाए जो लोकसभा चुनाव होने हैं आगामी समय में, उसको लेकर भी यहाँ पर कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अभी बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही सीटों पर जीत मिली थी, और सबसे अहम बात है कि ये दोनों वो सीट थे जिस पर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी पकड़ थी और ये कहा कि समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है रामपुर आजमगढ़। दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके कहीं ना कहीं साफ मैसेज दिया कि वो 2024 के चुनाव में वो तैयारी में जुट चुकी है। ऐसे में जो आज राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हो रही है इसमें भी 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद चुनकर जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कामकाज को लेकर, विकास के कामों को लेकर, साथ ही जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर चर्चा होगी किस तरीके से कामकाज करना है, ऐसे में कौन से नेता की वहां पे ड्यूटी लगाए, कौन चीज को प्रभारी बनाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी क्योंकि अब धीरे धीरे पार्टी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनको जिम्मेदारियां देने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी इस बैठक के बाद, और उनको प्रभारी बनाकर उनको चुनाव के लिए भेजा जाएगा कि अब वो अपने क्षेत्र राज्यों में जाए और वहां पर 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट जाए। तो ऐसे में इस बैठक के बाद कई ऐसे चीजें हैं जो सामने आएंगी, जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मुहर लगेगा, इसके साथ ही प्रभारी को लेकर संगठन में भी फेरबदल को लेकर बात की जा रही है कि एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जो संगठन मंत्री है सुनील बंसल वो बने हुए हैं और अब तक उन्होंने 4 चुनाव उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो 2014 की चुनाव लोकसभा की बात करें, चाहे हम 17 विधानसभा की बात करें, 19 लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 22 की विधानसभा की बात करें, तो अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है संगठन मंत्री सुनील बंसल का और लगातार वो जीत दर्ज कराते रहे, तो उनको भी लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके पद को बढ़ाया जा सके, उनको प्रमोशन किया जा सके पार्टी में, साथ ही नए संगठन मंत्री को लाया जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया जाएगा और सरकार के जो कामकाज है उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कार्यशाला में बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम योगी यहां पर इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण बैठक। अश्विनी बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यूपी को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक चल रही है, बैठक का आज दूसरा दिन है जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री रैली करेंगे, रैली होनी है तो इसमें बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, खासतौर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर यूपी को लेकर चर्चा करेंगे।